अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वक्त बुखार, जाड़ा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और आप तमाम लोगों की कमेंट आ रही थी। आप तमाम लोग कह रहे थे, सलमान भाई कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो हदीस से भी साबित हो और हर तरीके की बीमारी से हमारी हिफाजत करे। तो आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन लोगों को बुखार आ रहा है, खांसी है, जुखाम है, नज़ला है, या फिर जो लोग इन तमाम चीज़ों से अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर आप तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन तमाम लोगों के साथ साथ हमें भी हर तरीके की बीमारी से महफूज रख और इस दुनिया के तमाम इंसानों की हर बुरी बला से हिफाजत फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर ये अमल आप लोगों को सही साबित ना कर पाए, यानी कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ठीक ना कर दे, तो आप लोग जो चाहें वो आकर मुझे बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब बुखार आया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुआए मुबारक का विर्द किया। आप लोगों को अभी हम वो दुआ बताने वाले हैं। तो आप तमाम लोग हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। देखता हूँ मेरी इस बात पर कितने लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं आपको किस तरीके से इस वजीफे को करना है। आप लोग सबसे पहले एक अकेली जगह पर बैठ जाइए और खामोशी के साथ इस अमल को शुरू कीजिए। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये दुआ, या मुकल्लिबा अल कुलूबी तब्बित कल्बी अला दीनिका, इस दुआ को आप लोग सिर्फ 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़िए। उसके बाद आप लोग एक अल्लाह तबारक वताला का पाक नाम, या सलामू या सलामू या सलामू, इस तरीके से आप लोग 100 मरतबा यानी 100 टाइम पढ़िए। और फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़िए, वही दुरूद पाक जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। अंदाजा लगाइए कितना सा वक्त लगेगा आप लोगों को इस वजीफे को करने में। ये वजीफा पूरा यानी मुकम्मल होने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम कीजिए, यानी कि आप लोग अपने सीने पर फूंक लीजिए। इसी तरीके से 7 दिन तक लगातार आप लोग इस वजीफे को कंप्लीट कर लीजिए। एक दिन का भी गैप मत करना, अगर गैप हो जाए तो आप लोगों को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग आराम से जब आपको फुर्सत हो तब आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। और इस वजीफे को करने का वक्त जो है वो कोई मुकर्रर नहीं है, जब आपके पास वक्त हो दिन में उस वक्त में आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। 7 दिन तक इंशाअल्लाह तबारक वताला जिस शख्स ने भी इस वजीफे को कर लिया तो अल्लाह तबारक वताला के हुक्म से, चाहे टाइफाइड हो या फिर उसकी हड्डी में बुखार हो या फिर किसी भी तरीके का बुखार हो या कितनी भी पुरानी खांसी हो, नजला हो, जुखाम हो, इंशाअल्लाह तबारक वताला उन तमाम चीजों से अल्लाह तबारक वताला अपने महबूब के सदके में उस इंसान को शिफा अता फरमाएगा। मेरे कहने से हर घर तक इस वीडियो को पहुँचाने में आप लोग मेरी मदद जरूर करें। मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया, अब आप लोग इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है, हर इंसान के घर तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी की जिंदगी बच जाए। और अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो हमारे चैनल की सबसे पावरफुल वीडियोस हैं। आप लोगों से मैं तहे दिल से गुजारिश करूंगा, आप लोग इन दी गई वीडियोस पर अभी क्लिक कीजिए और इन वीडियोस को देखिए, समझिए और इन वीडियोस में जो सामान बताया गया है उस सामान को आज ही अपने घर पर मंगाइए। इंशाअल्लाह तबारक वताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।